नमस्कार दोस्तों, मैं चिंतन ईश्वर था। मेरी इस YouTube चैनल ऑल फार्मिंग आइडियाज़ पे आपका स्वागत करता हूँ। हम हमारे इस चैनल के ज़रिए आपको तरह तरह के पौधे उगाना, पेड़ उगाना, फूल के पौधे उगाना, फल उगाना और तरह तरह की सब्जियाँ और मसाले उगाना सिखाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा कि उसको उगाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत लगेगी और थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, पर इसको उगाने के बाद इसका जो प्रॉफिट है वो उसका मार्जिन ढेर सारा, बहुत सारा है। उसके अंदर से ढेर सारे पैसे हम बना सकते हैं अगर हमारे पास कोई अच्छी सी जगह हो, कोई अच्छी सी गार्डन हो हमारा, या कोई अच्छा सा खेत हो हमारा जिसके अंदर हमें इस पेड़ को अगर लगा दे तो हमें ये पेड़ 10 से 12 साल में कम 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपये कमा ला सकता है। और ये पेड़ ऐसा है कि इसको लगाने से हमें हमेशा फ़ायदा होगा, नुकसान इसके अंदर ज़रा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे चंदन की। हमारे देश के अंदर चंदन बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है और ये खुशबू वाला पेड़ होता है। उसका जो तेल निकलता है वो उसकी कीमत मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कीमत हमें बहुत अच्छी मिल सकती है। तो मैं आपको आज चंदन का पेड़, चंदन का पौधा कैसे लगाए और उसकी रख रखाव कैसे करें वो दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको चंदन का एक पौधा कहीं से भी आसपास से, मार्केट में से या कोई नर्सरी में से, या कोई आसपास इसका बिजनेस कर रहा हो उसके वहाँ से ले लेना है, या आप खुद भी उगा सकते हैं। आपको इसके बीज ऑनलाइन मिल सकते हैं। उसके बाद आप अपने गार्डन में या अपने खेत में कोई अच्छी सी जगह ढूंढ ले जहाँ पे सीधी धूप ना आती हो और उसको गर्मी सीधी ना लगती हो और जो ज़मीन रासायनिक खाद से मुक्त हो, यानी कि ऑर्गेनिक खाद वहाँ डाली हो, ऐसी जगह होगी तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। इसके बाद उस जगह पे हम पौधे के जो निचला भाग है, जहाँ मिट्टी वाला है प्लास्टिक बैग में, ये आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में, उसके माप का एक अच्छा सा गड्ढा खोद ले जिसकी गहराई 0.5 से 1 फीट तक हो। और उसके अंदर हम ये पौधा आप देख रहे हैं उसको इस तरह इसे कागज़ निकाल के, प्लास्टिक का कागज़ निकाल के इसको हम अंदर डाल देंगे जो मैंने गड्ढा बनाया है उसके अंदर। और फिर हमें आसपास की मिट्टी भी थोड़ी अलग थलग कर लेनी है। अब हम इस पौधे को इस तरह करने के बाद यहाँ पानी के लिए एक अच्छा सा क्यारा बना देंगे आसपास की मिट्टी करके, और उसको हम कंकर पत्थर जैसा कुछ हो आसपास तो वो हटा लेंगे। और हमें मिट्टी उस तरह डालनी है कि उसको हमें प्रेशर से दबाना नहीं है। अगर प्रेशर से दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें प्रेशर से नहीं दबाना। उसके बाद हमें इसको अब पानी देना है। पानी हमें रोज़ देते रहना है, और 1 वीक के बाद जब हमें लगे कि हमारा पौधा अब यहाँ की ज़मीन के अंदर पकड़ जमा चुका है, तब हमें तूर, उड़द, मूंग, चने जैसे जो कठोर वर्ग के बीन्स आते हैं उसके बीन्स लेने, अच्छे वाले बीज लेने उसके, और जो जहां हमने चंदन को बोया था, प्लांट किया था, उसके आसपास की ज़मीन को भुरभुरी कर ले, खोद ले, दंताली है ऐसा कुछ लेके, और उसके अंदर वो बीज हम डाल दें और उसको फिर वापस पानी दें। जब हमारे इस पौधे के आसपास, चंदन के पौधे के आसपास यह सब उग जाएगा, ये चने या कुछ भी हम जो डालते हैं यहाँ पे, तो वो उसके जड़ों के अंदर नाइट्रोजन पैदा करेगा। और चंदन की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे वो अपने जड़ों में नाइट्रोजन को खींचेगा, या चने ये सब ये जो दाल वर्ग के कठोल आते हैं उसके जड़ों में से, उतना ही इसका ग्रोथ जल्दी से फास्ट होगा। और इसको पानी हमें डेली देते रहना है।
आप थोड़े दिनों के बाद देखेंगे कि आपका जो चंदन का प्लांट है उसके ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कि नए नए पत्ते आ चुके हैं और उसका ग्रोथ पहले से बेहतर हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो और बता सकते हैं। और हमारा यह वीडियो लाइक करना याद रखें। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।